तो जुगती राम जी, ये जो पुदीने की खेती आप कितने साल से कर रहे हैं? 18-19 साल हो गए। एक बार जब आप एक एकड़ की कटाई करते हो, अंदाजन कितनी पैदावार दे देता है एक बार की कटाई, कितने रुपए की हो जाती है? 50,000-60,000। 50-60,000 की हो जाती है। लो बनता रहेगा, काटते रहो, मतलब हर 20-25 दिन में फिर कटाई देता रहेगा। हाँ, महीने में जाके जुलाई में इसकी कटाई अच्छी होगी। हाँ, और फिर पैदावार भी अच्छी होगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये और बताइए कि ये कितने साल तक पैदावार देता है एक बार बिजाई के बाद? 4 साल। 4 साल तक। सारे किसान भाइयों ना नमस्कार। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण बयान आपका स्वागत करता हूं। आज आए हैं पुदीने के खेत में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुदीना बोया हुआ है, इधर भी आप देख सकते हैं कि पुदीने की खेती की हुई है। आप जहां पर कैमरा रखा है इधर भी यहां पर पुदीने की खेती है, और इस खेती को करने वाले जुगती राम जी हमारे साथ हैं, वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो उम्मीद करेंगे किसान भाइयों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है, आप इसको पूरा ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई पहली बार अपने YouTube चैनल पर आए हैं, लाल बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को कर देना किसान भाई ऑन, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अन्य किसान भाई भी धान और गेहूं छोड़ करके सब्जी की तरफ झुकाव ले सकें। तो आइए मिलते हैं जुगती राम जी से। नमस्कार जुगती राम जी। नमस्कार जी। अपना पूरा नाम बताइए। जुगती महतो। जुगती महतो जी। तो जुगती राम जी, ये जो पुदीने की खेती आप कितने साल से कर रहे हैं? 18-19 साल हो गए। 18-19 साल से कर रही हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि इसकी बिजाई का समय कौन सा होता है? इसका बिजाई होता है जून महीना। जून के महीने में इसकी बिजाई होगी। अच्छा, ये बताइए कि इसकी बिजाई के लिए आप खेत को कितनी बार जुताई करते हैं? 4 बार। जुताई के वक्त आप इसके अंदर खाद वगैरह क्या कुछ डालते हैं? इसके अंदर पहले खाद खुद नहीं देना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं खाद देने की। अच्छा, जुताई कर दी फिर इसको खेत पर बट वट बना के खेत पर दर करा के। हाँ जी। फिर जैसे धान लगता है एक एक बूटा दो दो बूटा लगा लो, मतलब जैसे इसकी प्योत लगाई जाती है। लगाई जाती है। उसके बाद फिर छोड़ दो, 15 दिन के बाद पानी देता रहो, 1.5 महीना इसको छोड़ दो, मतलब हर 15 दिन बाद इसके अंदर पानी देना। हाँ, है और 1.5 महीने तक ये चलता रहेगा। हाँ, फिर 1.5 महीना के बाद फिर कटाई चालू होगा। 1.5 महीने बाद इसकी पहली कटाई होगी। पहली कटाई। अच्छा, ये बताइए कि जो ये बिजाई है, बिजाई के दौरान इसके ऊपर क्या कुछ खर्चा जाता है? इसके ऊपर आता है 50-60,000 रुपये एक एकड़ का। एक एकड़ का, एक टेयर की बात करें तो लगभग 1-1.25 लाख रुपये खर्चा आ गया। 1,20,000 तक खर्चा आ जाएगा एक हेक्टेयर में। एक एकड़। तो उसके बाद इसके अंदर कोई निराई गुडाई? गुड्डीकरण गुडाई में लगेगा, वही खर्च होगा, उसी में खर्चा होगा। अच्छा, 2 लाख रुपये आपको खर्चा जाएगा, लोग तैयारी करने में लगेगा। अच्छा, 2 लाख रुपए खर्चा जाएगा। हाँ, इसके ऊपर निराई गुडाई बिजाई और इसकी पोत वगैरह का। हाँ, सारा। हाँ। उसके बाद इसके अंदर हर 25वें दिन पैदावार आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या कुछ भाव बिक जाता है? 10-12-15 रुपए किलो। और फिर ये महंगा नहीं होता इससे? इससे महंगा भी नहीं होगा। तो कब होगा ये? होगा जुलाई महीने में जाकर। अच्छा, ये बताइए कि एक बार जब आप एक एकड़ की कटाई करते हो, अंदाजन कितनी पैदावार दे देता है एक बार की कटाई, कितने रुपए की हो जाती है? 50,000-60,000। 50-60,000 की हो जाती है। हाँ। 5 कटाई के बाद फिर ये चलता रहेगा बंद? अब अगले महीना से बंद हो जाएगा। अच्छा, 2 महीना बंद रहेगा, कटाई बंद रहेगी, कटाई भी बंद गुडाई भी बंद। कारण इसको जर हिल जाता है, फिर सूखने लग जाता है। अच्छा, मई और जून में ना तो इसकी कटाई होगी ना निराई गुडाई होगी, इसको छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो है ये कटाई करते रहो, कटाई महीने में जाके जुलाई में इसकी कटाई अच्छी होगी। हाँ। और फिर पैदावार भी अच्छी होगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये और बताइए कि ये कितने साल तक पैदावार देता है एक बार बिजाई के बाद? 4 साल। 4 साल तक बढ़िया से देगा और 3-4 साल तक ये पैदावार देता रहेगा। ये बताइए कि जो इसकी पैदावार है वो किसानों के लिए कितनी फायदेमंद है? वो अपना मेहनत के ऊपर है जी। अच्छा, अपना मेहनत के ऊपर है, जितना मेहनत करिएगा जितना गुड़ पाइए उतना मीठा। ठीक है, जितनी मेहनत करोगे उतनी ही बचत आ जाएगी। तो किसान भाई, इस प्रकार से आपने जुगती राम जी से इसके बारे में जानकारी ली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जो किसान भाई पहली बार अपने YouTube चैनल पर आए हैं, लाल बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को कर देना किसान भाई ऑन, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अन्य किसान भाई भी लाभ उठा सके। धन्यवाद किसान भाई। जय हिंद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।